मैं एक्चुअली सुबह रूटीन के टाइम पे जैसे दुकान खोलनी होती है उसी समय में आया, तो मैंने देखा कि ये जो सबसे पहले जो कूलर जो मैं अपना व्यवस्थित रख के जाता हूँ वो अपनी जगह पे नहीं था और उसकी एक पैड खुला हुआ था। दूसरा फिर मेरी नज़र इस पर चैनल गेट पे मेरी नज़र पड़ी तो चैनल गेट के दोनों लॉक खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे और ये गेट भी लगभग आधा से थोड़ा खुला हुआ था, मेरा जो ये एल्यूमिनियम का जो गेट है। उसके बाद में मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद ये पल्लड़ ऊपर की तरफ रखा हुआ था, मतलब जैसे कोई अंदर आया है। आके मैंने देखा तो गले का लॉक यहाँ पे ऊपर रखा हुआ था, मैं समझ गया भाई चोरी की घटना हो चुकी है। आगे जाके देखा तो कम से कम 5-6 हज़ार करीब की मेरे जो खुले पैसे थे इसके अंदर 10 के, 50 के, 20 के नोट थे, वो उसमें से पूरे सफ़ा हो चुके थे। और रेज की एसिडीज़ रखी हुई है, रेज की को उसने हाथ नहीं लगाया। बाकी थोड़ा बहुत माल भी अच्छे से, दवाइयों के डब्बे उथल पुथल थे, एक तो शायद उसको कुछ समझ में आया होगा तो लेके भी चला गया साथ में। फुटेज में है क्या? फुटेज में कौन आ रहा है? फुटेज में एक्चुअली क्या है, कैमरा उसने ऊपर कर दिया था। फुटेज में कौन आ रहा है? फुटेज में एक छोटा बच्चा है, 12-13 साल उसकी उम्र लगती है देखने से। नीले कलर की टी शर्ट है, काला ब्लोअर पहन रखा उसने, पजामा और चप्पल, बद्दी वाली चप्पल पहन के आया था वो। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा दर्ज कराया साहब हमने क्रिश्चियनगंज थाने में। किस नाम से मेडिकल है? मेडिकल है अपना कृष्णा हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, डॉक्टर हरिभाऊ पाध्या नगर। ठीक, कितने का माल गया लगभग? माल लगभग नकदी है 5-1 हज़ार की नकदी है, थोड़े बहुत दवाइयाँ वगैरह शायद है, तो उसमें से कुछ मिसिंग है दवाइयाँ भी। ठीक, आपका नाम भी? ऋतुराज शर्मा नाम है मेरा।